दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मिशन इम्पोसिबल 7 के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ जानेंगे इस फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म को इंडिया में 1200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। अगर बात करें कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पहले दिन में इंडिया में 12 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 63 करोड़ 92 लाख का नेट कलेक्शन किया था। वहीं अपने 6ठे दिन में 5 करोड़ 10 लाख का और अपने 7वें दिन में यानी मंगलवार के दिन में लगभग 4 करोड़ 78 लाख का नेट कलेक्शन किया है। और इसी साथ ही फिल्म का 7 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 73 करोड़ 80 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 88 करोड़ 20 लाख हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का 7 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2010 करोड़ हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें 8वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 8वें दिन में इंडिया से लगभग 4 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं इस फिल्म का बजट लगभग 290 मिलियन डॉलर है, अगर इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 2364 करोड़ होता है। तो दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो चुकी है और ओवरऑल में ये फिल्म आज अपना बजट रिकवर करके प्रॉफिट में चली जाएगी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।